आदरणीय मंच और श्रोताओं को प्रणाम। जिसको मैं मोनो इमेज कविता कहता हूँ, लघु बिंब काव्य, ऐसी तीन चार रचनाएं मैं पढ़ूंगा। पहले गांधी पर कुछ मोनो इमेज है। राजघाटे नेतॄणां चरण ध्वनय श्रूयन्ते, तदा समाधि शनै शनै ब्रवीति, हे राम हे राम। राजघाट पर नेताओं के पैरों की आहट आती है, तब समाधि धीरे धीरे बोलती है, हे राम हे राम। क्योंकि ये नेता लोग तो मरे हुए गांधी को रोज भाते हैं। गोडसे ने तो एक बार ये काम किया था, हमारे नेता रोज करते हैं ये। तो अभी समाधि चीखती है, हे राम हे राम। दूसरा है, यदा सत्यम गरुड़ा चक्रवत बमति परिभ्रमति, तदा क्षणभंगुर कार्पास सूत्र सदृशो मानव स्वातंत्र वस्त्रम वयति। जब सत्य का यरोड़ा चक्र घूमता है, तब कच्चे धागे जैसा मानव स्वतंत्रता का वस्त्र बुनता है। क्योंकि सत्य और स्वतंत्रता दोनों एक साथ दर्शन में जुड़े हैं, मगर वो यरोड़ा चक्र सत्य का होना चाहिए तो ही है, हो सकता है। एक कभी कभी अपमान भी मान हो जाता है। अगर गांधी जी का अपमान विक्टोरिया में नहीं होता तो गांधी पैदा नहीं होता। तो मैंने एक प्रतीकात्मक रूप से यह कविता लिखी है। विक्टोरियाम गच्छत रेलवे रेल यानस्य तस्या एकम श्याम रक्तम क्षिप्तम। विक्टोरिया जाती हुई ट्रेन से एक काले लहू को बाहर फेंका गया, तथा पश्चात तदेव श्याम रक्तम स्वयं इंजन यंत्रम अभवत। उसके बाद वो जो काला लहू था वो इंजन बन गया। तस्मिन श्याम रुधिरम एक ही भूय निशणम, और उस इंजन के साथ जो भारत का सारा काला लहू था वो जुड़ गया रेलवे के तरह। देश हो यान कक्षो अभवत, देश है वो यान कक्ष बन गया। और तस्मात गोर रुधिरम क्षिप्तम, और काले लहू ने जिस तरह गोरे लहू ने बाहर फेंक दिया था, उस तरह काले लहू ने गोरे लहू को देश के बाहर निकाल दिया। अधुना सत्यम न करोति आग्रहम, अब सत्य आग्रह नहीं करता, कोई सत्याग्रह नहीं करता, सत्य का आग्रह नहीं करता। अहिंसा नोपवसति, अहिंसा उपवास नहीं करती है। अनामृत स्नेह मार्गेषु न भ्रमति, खुले शरीर वाला कोई स्नेह रास्ते पर भटकता नहीं है। बुलेट प्रूफ यानानि श्वेत वस्त्राणि शांति शांति रीति जलपन्ति, और बुलेट प्रूफ वाहनों में बैठकर जो नेता लोग श्वेत वस्त्र वाले जो लोग हैं वो शांति शांति का जप करते हैं। राजनीति रहस्य निर्दोषता नास्ति, राजनीति के हास्य में अब निर्दोषता नहीं रही है। दीपस्य स्थाने राष्ट्रमितम तीव्रमस्ति, अधुना दिए के स्थान पर एक देश जितना अंधकार छाया हुआ है। हम कहते हैं कि दिया बुझ जाता है तो अंधेरा रहता है, मगर कितना अंधेरा, एक दिया बुझ गया तो उसके बाद एक देश जितना अंधकार छाया हुआ है। अब मैंने एक अपराध किया है, वो अपराध का मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा साइबर क्राइम है ये। तंत्र की भाषा में तीन शब्द आते हैं, संसार अलग है, मैं अलग हूं, अहम इदम। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि मैं ही संसार हूं, एक दूसरी दूसरा आता है, और फिर ऐसा आता है कि संसार और मैं कोई अलग नहीं हूं, अहम शिवम शिवोहम। तो ये साइबर का साइबर क्राइम के रूप में मैंने ये कविता लिखी है। कथकिम अहम ईश्वरस्य हस्ताक्षरं कर्तुं क्षमः, हाँ मैं ईश्वर का हस्ताक्षर कर सकता हूँ। आवयो अंगुष्ठ मुद्रे समान है, मेरे और ईश्वर की अंगूठे की छाप एक सखी है, एक समान है। ईश्वरस्य सर्वलेखानां स्थानानि जानामि अहम्, ईश्वर के सब अकाउंट मुझे मालूम है, कहाँ कहाँ है उसके अकाउंट है।
ईश्वरस्य लेखानां पारशब्दोपि मया परम व्योम्नः संगणकम् उद्घाट्य प्राप्तः। परम व्योम का जो कंप्यूटर है उनको खोल कर मैंने ईश्वर का पासवर्ड भी निकाल लिया है। अधुना प्रतिदिनं स्थानांतरितं करोम्यहं तस्य आनन्दं मम लेखायां। अब मैं ईश्वर का जो आनंद है वो मेरे खाते में जमा करता रहता हूँ। लुंठम अहम विश्व सौंदर्य सौंदर्य से अधिकतम मेरे विश्व सौंदर्य का खजाना है वो मैं लूट रहा हूँ ईश्वर के बदले। उद्घाटयामि अहम अंतः पेटिकाम सतारकाम सुरक्षित उपध्यानिक क्षम। मैं लॉकर में जाके उसका सेफ डिपोजिट खोल लेता हूँ ईश्वर का। गृहणामि च निरवधिम सुखम मैं उसका जो निरवधि सुख है उसको मैं लूट लेता हूँ। ईश्वर है पुत्र पुत्र स्वैश्वर्यम निक्षिप्तम तदपि अहम जाने। ईश्वर ने कहाँ कहाँ अपना ऐश्वर्य छुपाया है वो भी मैं जानता हूँ। अतो ही दाया दो भूतवा भ्रमामि अहम इसलिए मैं वारसदार होकर घूम रहा हूँ सारे विश्व में। ईश्वर का नहीं तो वारसदार दिशा मर्यादा उल्लंघ्य ईश्वर से सुख सुरक्षा कर्मिणो भूतवा भ्रमंती एते महात्मा न साधव देवदूता अपि माम ग्रहित न शक्नुवंती। ईश्वर के जो रक्षक बन के ये जो साधु बाबा बाबा लोग घूम रहे हैं उनको भी ईश्वर का पता नहीं मालूम है, मगर मैं जानता हूँ आकाश की मर्यादा को लांग कर मैं जानता हूँ वो कह रहता है। यतस तेर अपि अदृष्टम अपि अदृष्टम अस्ति भगवतो वैभवम। वे भी ईश्वर के वैभव को नहीं जानते हैं वो बातें करने लोग करने वाले लोग हैं। एकम रहस्यम कथया एक खांकी बात कहता हूँ माँ कथय कस्मा अपि किसी को बताना मत। ईश्वरस्य भुवने निवसामि अधुना अहम ईश्वर के घर में मैं ही रहता हूँ। स्वयमेव ईश्वरो भूत्वा मैं स्वयं शिव हूँ तो मुझे किसकी परवाह यही मेरा घर है। ये तो माया लब्धा तद भवन कुंजिकाम उसके भवन की जो चाबी थी वो भी मुझे मिल गई है इसलिए ये बात किसी को मत बताना। और एक अंतिम कविता है GPRS आप जानते हो कम जब कुछ ढूंढना चाहते हैं तो GPRS चालू करके देख लेते हम कहाँ पर है वो मैप बताता है, मगर हमको नहीं ढूंढ पाते GPRS के द्वारा। मेरी व्यथा यह है चल दूरभाष्य GPRS वैश्विक स्थिति ज्ञान सेवाया प्रारंभ कृत्वा ज्ञातुं कामये हम कामये मे स्थिति। GPRS चालू करके मैं देखना चाहता हूँ मेरी स्थिति कहाँ पर है इसमें। तदा पठ्यते मया गंतव्य स्थानम पुत्र इति आपका डेस्टिनेशन कौन सा है वो तो नहीं जानता मैं डेस्टिनेशन बताओ कैसे कौन जानता है अपना डेस्टिनेशन को। विचार मुदोहम मानचित्रम सुषा मैं नक्शे को जरा स्पर्श करता हूँ मुझे कहाँ जाना वो तो मालूम नहीं है। सत्यम न दृश्य सत्य तो यहाँ दिखता ही नहीं है मैप में है ही नहीं सत्य तो। श्रद्धा मानचित्र सिमनी नास्ति तो श्रद्धा है वो मानचित्र के नक्शे के बाहर है कहीं। असत्यम दृश्य सभी जगह असत्य दिखता है किंतु मार्गो न दृश्यते किंतु मार्ग नहीं दिखता है। प्रणयस्य स्थानम तत्र नास्ति इस दुनिया में प्रेम करने का स्थान कहाँ है। GPRS बता सकता है कि प्रेम करने का स्थान कहाँ पर है। मानवताया संकेतम न जानाई न जानती सेवा दाता रत ये जो सेवा देने वाले लोग है वो मानवता का एड्रेस कहाँ पर वो नहीं जानते वो हमको क्या पता बताएंगे इसमें। त्वम अपि न दूरे न सबके आप भी न दूर है न पास है न स्वप्ने न जागृता अवस्था तुम न तो स्वप्न में है न तो जागृता अवस्था में न दूर है न समीप है न शब्द है न संकेत है तुम शब्द में भी नहीं हो संकेत में नहीं हो। नो घोषणा भवती त्वत्तव विषय का कोई घोषणा भी नहीं हो रही है कोई माइक से नहीं बता रहा लाउड स्पीकर से कि मैं कहाँ जाऊँ। मोस्त यान स्थगित अभी मेरा वाहन वो खड़ा रह गया किस दिशा में जाना है मैं नहीं जानता। अहम अंते मुनिव वैश्विक स्थिति ज्ञातुं प्रयते तब मुझे लगता है कि मैं कहाँ जाना वो तो नहीं ढूंढ पाता मैं कहाँ हूँ वो तो ढूंढ पाऊँ और तदा निराश्यम प्रकृति मैं कहाँ वो भी मैं भी खो गया हूँ वो भी मुझे नहीं पता इस लक्ष्य में कहाँ हूँ। मम पुत्र कह सहसा वदति मेरा बेटा आता है और मुझे एकदम आके कहता है तात तुम प्रोडोसी तुम बूढ़े हो गए हो
न जानासी जीपीएस चालन कौशल यमिति, तुम जीपीएस चालन के कौशल को आप नहीं जानते हैं। धन्यवाद, आप सभी का आभार, प्रणाम। अधिवंशम विराजमानः सर्वेति सुखयः सुखवयः सम्मुखं विराजमानः सर्वेति सुधियः। मंच पर विराजमान सभी सुकविजन और सम्मुख विराजमान सभी सुधीजन, मैं दो कविताएं पढ़ूंगा, दोनों बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, और पहली कविता पितरम प्रति, पिता के प्रति। क्या मैंने मंच से कभी नहीं पढ़ी है, मीडिया पर उपलब्ध है, ऑनलाइन प्रस्तुतियां इसकी हुई हैं, क्योंकि यह मेरे पिता की स्मृति में दो दिन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि यह कविता मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए। और प्रेम शंकर जी ने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई, बहुत सारी कविताएं उनकी जो पहले पढ़ी हैं उनके अतिरिक्त उनसे कविताएं सुनने का आनंद आया, उसमें भी उन्होंने पिता के लिए बहुत बढ़िया कविता सुनाई है। ये कविता आर्या छंद में है, संस्कृत में आर्या गेय छंद होता है, लेकिन संजय द्विवेदी जी निश्चिंत रहे, मैं गाऊंगा नहीं और पाठ करूंगा, इसको पूरा पढ़ दूंगा, 12 आर्या इसमें है, उसके बाद हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। सरल लिखता हूँ, मुझे तो पंडिताई ज्यादा आती नहीं दिखाना, तो वैसे भी समझ में आएगी, और फिर भी अनुवाद पढ़ दूंगा। त्वत् सदृशो मा भूवम्, त्वत् सदृशो मा भूवम्, त्वहमन्यन् त्वहमन्या दृशस्तथा भूयासम्, इति चिंता कुल चेता त्वत्तो दूरं च दूरमहं गतवान्, अहमहमेव स्याम् अहमहमेव स्याम् त्वं त्वमिव स्याः स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः, अहमहमेव स्याम् त्वं त्वमिव स्याः स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि च संस्थितः, तव वा मम वा कश्चित् तिष्ठतु तावत् विशेष एव, इति कृत्वा त्वात्मानं यावत् त्वत्तः पृथक् करोम्येष तावत् रक्ते स्वीये रिंगन्तं त्वां तथानुभवामि, इति कृत्वा त्वात्मानं यावत् त्वत्तः पृथक् करोम्येष तावत् रक्ते स्वीये रिंगन्तं त्वां तथानुभवामि, भिन्नः स्यान् मम पन्था यत्नै स्वीयै स्वयं च विनिर्मितः, निश्चित्येतत् स्वीया मार्गा नितरां मया गवेषिताः, बहुशो भ्रान्त्वा यम चाहम चिनोमि पन्थानम्, सोयम् पूर्वम् क्षुण्णस्त्वयेति च विस्मितोऽस्मि, दूरम् तेहम् चलितो नावा नवीनधाराभिः, दूरम् तेहम् चलितो नावा नवीनधाराभिः, घट्टात् घट्टम् यातस्त्वन्ते घट्टम् त्वदीयमापन्नः, अन्या भविता रीतिर् नीतिश्चान्या भवेन् मम जीवने, अन्या भविता रीतिर् नीतिश्चान्या भवेन् मम जीवने, स्वयं विधाता हम स्याम् निज संसारस्य च सर्वथा, इति कृत्वा स्वात्मानं प्रेक्षे यावन् निजात्मदर्पणे तावत् त्वत् प्रतिबिम्बं मत्स्थानस्थं विलोकयामि, मम शैली मम रीतिः त्वत्तो कीति भिन्नेति च गर्वितः, मम शैली मम रीतिः त्वत्तो कीति भिन्नेति गर्वितः, बहुशा पूर्वे नाना विदुषां सम्मेलनेषु व्याख्यानम्, वक्रभ्रूभंगे वा काकौ स्वरस्य कर्षणे वा स्वस्य
स्वरम त्वदीयं षण्वे तनु प्रविष्टं मदीय भाषणे चित्तं परुषं कृत्वा स्थितोऽस्मि कुर्वे परं किमस्य मम काये मज्जायां चर्मणि धमनीषु यत् पिनद्धोऽसि कथा मदीया याया यथा त्वदीयैव विच्छुरितास्यां वै एतावांस्तु विशेषो अतीतस्त्वमसि च वर्तमानो इतनी ही है। अब मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ, काफी कुछ समझ में आया ही होगा आपको, छात्र हमारे संस्कृत के सभी आम बैठे हैं, फिर भी और ये अनुवाद आप सुनते हुए अनुभव करेंगे कि अलग अलग मिजाज होता है हर भाषा का, और जो उस आर्या छंद की लय है वो तो नहीं आ सकती अनुवाद में, और मुक्त छंद में अनुवाद है पिता के प्रति। मैं कुछ और बनूंगा इस चिंता का मारा, मैं अपने को तुमसे दूर दूर खींचता चला गया, मैं ही रहूं और तुम ही रहो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, तुम्हारे और मेरे बीच जो फर्क है वह तो रहेगा, यह सोचकर मैं अपने को जितना ही तुमसे अलग करता हूं उतना ही अपने खून में रेंगता हुआ मैं तुम्हें महसूस करता हूं, मेरा रास्ता अलग होगा, मैं अपनी कोशिशों से अपना रास्ता बनाऊंगा, यह तय करके मैंने खूब खोजे अपने अलग रास्ते, बहुत घूम फिर कर भटक कर मैं जिस जिस रास्ते से गुजरा, बहुत घूम कर भटक कर मैं जिस जिस रास्ते को चुनता मैं हैरत में पड़ जाता कि उस पर तो तुम चल चुके थे, मैं तुमसे दूर दूर चला अपनी नाव से नई धाराओं में तीरता, एक घाट से दूसरे घाट पर चलता चलता मैं आ पहुंचा तुम्हारे ही घाट पर, मेरे जीवन का रंग ढंग अलग होगा, मेरी रीति नीति अलग होगी, मैं अपने संसार का विधाता स्वयं बनूंगा, यह सोचकर मैं अपने आप को अपनी आत्मा के दर्पण में जब जब देखता तो अपनी जगह तुम्हारा ही प्रतिबिंब उसमें झलकता दिखने लगता, तुमसे कितनी अलग है मेरी शैली मेरी रीति इस बात के गरूर में भरा, मैं कई बार विद्वानों के सम्मेलनों में व्याख्यान देता, कभी अचानक अपनी बाकी होती जाती भों आवाज के उतार चढ़ाव और खिंचाव में मैं पाता कि मेरे अपने भाषण के भीतर तुम्हारी आवाज घुल मिल गई है, जी बहुत कड़ा बनाकर मैं खड़ा हुआ हूँ पर इसका क्या करूँ कि मेरे बदन में मेरी मज्जा में मेरी चमड़ी के भीतर मेरी नसों में जो तुम पिरोए हुए हो मेरे शरीर के हर हिस्से में मेरे हर एक हिस्से में तुम्हारा दर्द समाया हुआ है, पर इतना फर्क तो है कि तुम अतीत हो और मैं वर्तमान हूँ। अब एक कविता थोड़ी हल्की सी सुना देता हूँ। मैंने हंसी मजाक की कविताएं भी लिखी हैं बहुत सारी, और महाकाव्य भी लिखे हैं, हर तरह की कविताएं मैंने संस्कृत में लिखी हैं और अनुवाद उनके फिर किए हैं हिंदी में। ये सुता सुप्रभातम शीर्षक है इस कविता का, सुता सुप्रभातम, सुता मतलब बेटी, सुप्रभातम काव्य बहुत अद्भुत विधा है संस्कृत की, और किसी भाषा में शायद नहीं होते सुप्रभात काव्य, संस्कृत में ही होते हैं लेकिन वो देवी देवताओं के लिए सुप्रभात काव्य होते हैं, आदित्य सुप्रभातम गणेश सुप्रभातम और सुब्बुलक्ष्मी क्या गाती हैं सुप्रभात काव्य, कितने बढ़िया बढ़िया लोगों ने गाए हैं और कितनी अद्भुत कविताएं हैं सुप्रभातम की संस्कृत में लिखी गई हैं, जिनमें दुनिया सुबह की जो भोर की दुनिया है वो चित्रित होती है, वैसी कविता हम नहीं लिख पाए, वो देवताओं के लिए सुप्रभात भी हम नहीं लिख पाए, हमने किसी देवता के लिए सुप्रभात नहीं लिखा कभी, वरना लिखेंगे, जिनको देवता जगाने हैं वो जगाते रहें, जिनको रथ जगे करना है वो रथ जगे करें, हमें नहीं करना, बेटी के लिए सुप्रभात कविता है।
इसको मैं ये इंद्रवज्रा छंद में है और कुछ उपेंद्र कुछ उपजाति में भी है छंद, इसमें भी 11-12 छंद है। और एक आज छोड़ भी दूंगा जो लंबा उनकी लंबी भी तो कहीं कहीं हो गई है। हर छंद का हिंदी अनुवाद पढ़ते हुए मैं चलूंगा। माँ बेटी को जगा रही है सुबह, ऐसा इसमें कुछ है। ये भी मैंने मंच पर कभी नहीं पढ़ी है, ऑनलाइन कभी सम्मेलनों में दो एक बार पढ़ी। उत्तिष्ठवत् से ननु पश्य कालः कियान् व्यतीतो रजनी प्रभाता विद्यालयं गन्तुमहोऽनुसख्यः मन्ये त्वदीयास्तु विनिर्गतास्ता। उठ बेटी, देख तो समय कितना हो गया है, रात ही बीत गई, जाने को स्कूल की सहेलियां तेरी लगता है सब निकल गई हैं। पश्याजिरात्वं किल चूंकतीभि मित्रं प्रियं ते चटकाभयन्ति सामिष्टनिम्बस्य तरौ स्थितास्ते धान्यं त्वया दत्तमपेक्षमाणा। देख तो आंगन से चूं चूं करके दोस्त तेरी चिड़िया वह बुला रही है, मीठी नीम के पेड़ पर जो जा बैठी है तेरे दिए दाने की आस लगा रही है। गोपाश्चाश्चारयितुं गतास्ते मेषान् समाहूय च पुंकृतिभ्यः गोपाश्चाश्चारयितुं गतास्ते मेषान् समाहूय च पुंकृतिभ्यः अग्रे नुदन्तो ननु वन्यदेशं नयन्ति पश्ये न च मेषपालाः। निकल गए हैं ग्वाले गाय चराने, भेड़ों को वे इधर लगे बुलाने, हाँक रहे हैं इधर गड़ेरिए, जंगल में लगे उन्हें ले जाए। वो रफ अनुवाद किया है और हमारा मन छंद में लगता है तो उसमें ही हम लिख पाते हैं, अनुवाद ऐसे ही समझाने के लिए कर दिया है। गोपाश्चाश्चारयितुंगतास्ते मेषान् समाहूय च पुंकृतिभ्यः अग्रे नुदन्तो ननु वन्यदेशं नयन्ति पश्येह च मेषपालाः। निकल गए हैं ग्वाले गाय चराने, भेड़ों को वे ये इधर लगे बुलाने, हाँक रहे हैं इधर गड़ेरिए, जंगल में लगे उन्हें ले जाने। प्रत्युष काले तु विनिर्गतास्ते सम्मार्जनी स्वेषु करेषु धृत्वा पश्येह सम्मार्जन कर्म मार्गे कुर्वन्त्यहो मार्जन पुरुषास्ते। इसमें ये कल्पना करनी पड़ेगी कि वो जगाती है, फिर कुछ काम करती है, फिर आके जगाती है, तो भोर जैसे जैसे आगे और होती जाती है, अलग अलग छंदों में फिर आपको जो प्रोग्रेस ऑफ टाइम है, समय का गुजरना है, वो भी शायद पता चलेगा। प्रत्युष काले तु विनिर्गतास्ते सम्मार्जनी स्वेषु करेषु धृत्वा पश्येह सम्मार्जन कर्म मार्गे कुर्वन्त्यहो मार्जन पुरुषास्ते। मुंह अंधेरे जो निकल पड़े थे, प्रत्युष लिखा हमने ब्राह्म मुहूर्त नहीं लिखा, बात वही होती है। मुंह अंधेरे जो निकल गए थे झाड़ू लेकर हाथों में, देख वे लगा रहे हैं झाड़ू जमादार बाहर सड़कों पर। सद्य समायास्यति वृत्त पत्र गुच्छं द्विचक्रे तनिधाय याने बालः स उच्छाल्य तु तत्क्षिपे त्वं याहि प्रधाव्यात् करे ग्रभाणः। ग्रभ धातु का प्रयोग किया है, ग्रह धातु का नहीं किया, ग्रभ भी होती है मेरे ख्याल में और ग्रभणा भी, उसे अंग्रेजी में ग्रेप बनता है। अभी बस आने वाला ही होगा द्वार, साइकिल पर लादे बंडल में अखबार, लड़का उछाल कर फेंकेगा अखबार, दौड़ जाकर पकड़ तो ले अखबार। पूर्णाम वर्ण्या मपि वर्ण रम्याम आदाय कश्मीर समुद्भवाम ताम अपूर्व सौंदर्य निधान भूताम कंथाम विचित्राम प्रचयन्ति नार्यः। कश्मीरी ऊन लेकर रंग बिरंगी अद्भुत सुंदरता से निकली बैठ गई हैं वे बुनने को स्वेटर अपने अपने पड़ोसी में।
ये हिंदी अनुवाद में जोड़ा है, उसमें पड़ोसी नहीं है संस्कृत में। पश्ये रश्मि पतिता गवाक्षा सूर्येण किं वेश करो विसृष्टः वज्जागरार्थं सस्वयमेव नायात् कन्येधुना जागरितस्य पूर्वम्। देख तो किरण गिर पड़ी है खिड़की से, सूरज ने क्या हाथ बढ़ाया है अंदर तुझे जगाने को, चलान आए वह कहीं भीतर उसके पहले ही ऊर्जा झट से। कि अचिरम जागरयामि पुत्री व्यग्रास्मि कार्यम विपुलम चशिष्टम निश्चिंतमेवम किल सुप्यसि त्वं गेहस्य भारस्तुमयैव वाह्यः। बिटिया कब तक मैं तुझे जगाऊं, मैं भी हूं भामर और काम कितना पड़ा है, तू सो रही है ऐसी होकर निश्चिंत, घर का सब भार मुझे उठाना है। ये सब वो बार बार कहकर के जगाती है माता। कुछ एक आध दो छंद छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग ज्यादा दुखी ना हो। और इसमें जो ट्विस्ट आता है, जो कि सुप्रभात काव्य में जो बनते हैं संस्कृत में उनमें नहीं आता, कहानी में ट्विस्ट जो आता है कि वो लड़की फिर कहती है जिसको जगाया जा रहा है बच्ची को, और उसके दो श्लोक हैं उसके साथ खत्म हो जाती है कविता। उसके बाद आपको हंसी आए तो हंस भी सकते हैं। माता किमर्थम तुदसीह माम त्वम पुनः पुनः पुनस्तै रविजल्पितै स्वै जानासि किं नो रविवासरोद्य स्वप्तुं मनाद्य चिरात् प्रसुप्तां। माँ क्यों कर रही हो तंग हमें बार बार यो पहुंच पहुंच कर, पता नहीं है क्या कि इतवार है आज, सोने दो बहुत देर से मैं सोई थी। मुक्त्वा चपला शिशुसा स्वाम मातरम भूम प्रतिगर्भ शब्दी निद्रा आलसाच्छाद्य निजम च वक्त्रम प्रावारकेणाथ पुनः प्रसुप्ता। माँ से यह कहकर चंचल वह बच्ची चुप हुई, फिर हूं हूं करती करती अलसाई उसने चादर फिर से तानी और मुंह ढक कर फिर से सो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगला सत्र हमें लेना है तो एक गजल के एक दो बंद मैं सुना दूंगा और फिर एक आध पंक्ति की और पढ़ दूंगा। अच्छा हुआ मैंने जो लिखा था वो मिली ही नहीं, तो अब जो अभी ढूंढा था इस पत्रिका में वो भी लगता है खो गई। चलें, आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी की स्मृति को सादर प्रणाम करता हूँ और मंचस्थ तथा सम्मुख स्थित जो विद्वान हैं उन सबको प्रणाम करता हुआ। अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो पद में बैठ जाते हैं तो चाहे सियार क्यों न हो हम जो है उनकी पूजा करते हैं। और जो शेर हैं वास्तव में कुछ एक शेर ही मुझे दिखते हैं जो बोलते हैं, लेकिन जो शेर हैं वो बोलना ही बंद कर चुके हैं। तो कुछ दो पंक्तियां वहीं से उस गजल से कुछ सुनाऊंगा। जनई सिंहासनारूढ़ा, जो लोग हैं सिंहासन में बैठे हुए जो सियार हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, और जो शेर हैं वो दहाड़ना हाड़ना छोड़ के गुफा में कहीं छिपे हुए हैं। शेर खत्म नहीं हुए अभी हैं, पर जनई सिंहासनारूढ़ा श्रीगालाद्य पूजन्ते। जनई सिंहासनारूढ़ा श्रीगालाद्य पूजन्ते गुहायां गुहायां गर्जनं त्यक्त्वा सखे सिंहा निलीयन्ते। गुहायां गर्जनं त्यक्त्वा सखे सिंहा निलीयन्ते। उल्लू का उल्लू जो है वो सारस बन गए हैं और जो वीर हैं वो मयूर बन गए हैं, और जो अमराई है आमों का बगीचा है वहां पर कौओं का साम्राज्य देख करके
कोयल भागे जा रहे हैं। उलू का सारसी भूता, उलू का सारसी भूता, मयूरत्वं गताग्रिद्राः। उलू का सारसी भूता, मयूरत्वं गताग्रिद्राः। रसाले काक, रसाले काक साम्राज्यं पिका दृष्ट्वा पलायन्ते, जनैः सिंहा सनारूढा, जनैः सिंहा सनारूढा, श्रृगाला अद्य पूज्यन्ते। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही महान हैं, और उस महानता के चक्कर में वो कहीं बहुत अच्छी वाटिका में अच्छे स्थान पर पद पर पहुंच जाते हैं, और उसे विनष्ट कर देना ही वो अपना उनकी वानर वृत्ति है, तो वो विनष्ट करके ही अपने आप को महान साबित करने में लगे रहते हैं। तो कुछ उसी तरह का है। इमे के मरकटा वाट्याम, इमे के मरकटा वाट्याम, प्रविष्टा दुर्मुखा लोलाः। इमे के मरकटा वाट्याम, प्रविष्टा दुर्मुखा लोला, फलं भुक्त्वा, फल तो खा ही रहे, फलं भुक्त्वा लता वृक्षा समूला यैर्विनश्यन्ते। फल खाते हैं और लता और वृक्षों को तोड़ ताड़ के फेंक दे रहे हैं। जनैः सिंहासनम्। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो भाषा नहीं जानते, छंद नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन एक उनको कुछ लोग चढ़ा देते हैं कि भैया आप तो महान कवि और महान आचार्य और महान पंडित संगणक अध्य पता नहीं क्या क्या हो, और उन्हें अलंकार फलंकार का कुछ ज्ञान है, बड़े बड़े पुरस्कार पा रहे हैं जुगाड़ लगा के, ऐसा कुछ चल रहा है उस पर है, क्योंकि हो सकता है ये मैंने अपने दोस्त के लिए लिखा है, अगर गलत हो तो आपको कुछ व्याख्या नहीं करनी। बिना भाषाम, बिना भावान, बिना वृत्तैरलंकारैः, बिना भाषाम, बिना भावान, बिना वृत्तैरलंकारैः, कवित्वं दर्शयन्तस्ते कविं मन्याः प्रशस्यन्ते। जनैः सिंहा सनारूढा श्रृगाला अद्य पूज्यन्ते। ये एक तो पूरी हो गई, पूरा नहीं पढ़ूंगा तो क्योंकि मुझे टाइम दिया गया है। सर बोले थे कि कोई लोक गीतों की सुना देना, तो एक छोटी सी उसका भी कुछ बंद एक दो सुना देता हूँ। एक हमारे यहाँ परंपरा है, शुक्ला जी ज्यादा परिचित होंगे, सभी लोग परिचित होंगे, कि जब सावन का महीना आता है रक्षाबंधन, तो हम लोगों के यहाँ बचपन में होता था कि जो नई नई शादी हुई होती थी बहन की, उसको जाकर के बुलाने जाते थे, और वो उस समय नदी नदी भी बढ़ी रहती थी, फुहारे पड़ती थी, और एक बहुत ही अच्छा मौसम होता था, नई नई शादी हुई और भाई बुलाने पहुंच गया, तो वो जो बहन है वो अपने सखी से कहती थी, मुझे भाई बुलाने तो आ गया लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस समय क्या क्या है वो इसके भी दो तीन पंक्ति ही पढ़ूंगा। सखी है यामिन श्रावण मासे, भ्राता प्राप्तो में नयनाय। सखी है यामिन श्रावण मासे, भ्राता प्राप्तो में नयनाय। शीकर वर्षम मेघो वर्षति, फुहारे पड़ रही हैं, बादल इस समय थोड़ा थोड़ा फुहारों वाली बरसात बरस रहा है। शीकर वर्षम मेघो वर्षति, केकीकस्य
मनोनो कर्षति केति कस्य मनोनो कर्षति विद्युच्चमत्क्रतेर्भीताका सिद्धा स्याद्गमनाय सखी हे यामिन श्रावण मासे भ्राता प्राप्तो मे नयनाय प्रवहति वायुर्नदति चातकः प्रवहति वायुर्नदति चातकः पूजति पिकः पञ्चमैर्हतकः पूजति पिकः पञ्चमैर्हतकः सारसयुगलं क्रीडति नृत्यति सारसयुगलं क्रीडति नृत्यति चिन्तां स्वामपहाय सखी हे यामिन श्रावण मासे भ्राता प्राप्तो मे नयनाय। बस इतना ही पढ़ूंगे, लंबी है, भोजन की प्रॉब्लम हो रहा है और आप सब लोगों ने बड़े धैर्य से सुना और यहाँ आए, तो सब के लिए मैं अपनी ओर से भी आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मनसि वचसि काये पुण्यपि योषपूर्णो जयति विबुधमान्यो गोकुलोऽसौ वदान्यः जयति विबुधमान्यो गोकुलोऽसौ वदान्यः। निषदों के साथ परम गुरुवर आचार्य गोकुलनाथ त्रिपाठी जी के श्री चरणों में प्रणति निवेदन है। और आत्मा वही जायते पुत्र आत्मा वही पुत्र नामा से इत्यादि श्रुति वचनों से पिता ही पुत्र होता है। गायत्री गायत्री समुपासनम गायत्री समुपासनम प्रतिदिनम गायत्री समुपासनम प्रतिदिनम सद्धर्म सत्सेवनम सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। इस संदर्भ में सत्शब्द को यहाँ देखा जाना चाहिए। गायत्री समुपासनम प्रतिदिनम सद्धर्म सत्सेवनम सद्विद्याभ्यसनम कवित्वरसनम यस्यास्ति सज्जीवनम यत्काव्यं मधुवर्षि कर्षति तमाम विद्यावतां मानसं श्रीविद्या समुपासकस्स जयति श्रीहर्षदेवः कविः श्री आचार्य आचार्य गोकुलगुरोः सम्मानेन विभूषितः आचार्य गोकुलगुरोः सम्मानेन विभूषितः ऋषिराजः सजयताद् गुरुवात्सल्यरूषितः ऋषिराजः सजयताद् गुरुवात्सल्यरूषितः विभासते भारतमेव भूतले जनिस्थलं यद् भुवि मंगलास्पदं जनिस्थलं यद् भुवि मंगलास्पदं जगन्नियन्तुः पुरुषोत्तम प्रभोः क्षमातले सर्वसुभद्रभाववद् क्षमातले सर्वसुभद्रभाववद् विभासते भारतमेव भूतले निदानमुक्तं त्रिदिवापवर्गयोः निदानमुक्तं त्रिदिवापवर्गयोः प्रधानमामानि पुराणपण्डितैः प्रधानमामानि पुराणपण्डितैः मुनीश्वरैर्यद् विबुधैः सदाद्रितं मुनीश्वरैः यद् विबुधैः सदाद्रितं विभासते भारतमेव भूतले महात्मभिर्मोक्षदमीरितं च यद् महात्मभिर्मोक्षदमीरितं हि यद्
समस्त पापौ घनिकृन्तलक्षमं विभासते भारतमेव भूतले कवीन्द्रवाल्मीकि सुकाव्यमण्डितं विशालधीव्यास पुराणपूजितं ऋषिप्रणीतैर्लसितं सुशास्त्रकैः विभासते भारतमेव भूतले दधीचि सख्यञ्चित वज्रकीरितं ध्रुवाम्बरीशाति सुभक्तिभावितं मुनीन्द्र राजेन्द्र कवीन्द्र सेवितं विभासते भारतमेव भूतले चरित्र सद्धर्म सुशान्तिभूषितं समस्त सद्ज्ञान रहस्य पूजितं सुधीजनैर्वन्दितरागरञ्जितं विभासते भारतमेव भूतले।